Realme C11, C12 and C15 SIM card import setting। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि सिम कार्ड में से आप नंबर्स को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिम कार्ड इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इंपोर्ट करना नहीं आते तो आज के इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको यहाँ पर शो करके बताऊँगा किस तरीके से आप जो है अपने सिम कार्ड के नंबर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी इंपोर्ट करना है तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सारे साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर देना। अगर दोस्तों आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो उसके वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट्स ओपन करना है। जैसे ही दोस्तों कॉन्टैक्ट ओपन करेगा, आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस। तो दोस्तों, ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा सेटिंग। ठीक है, राइट हैंड साइड टॉप में देखिए सेटिंग, तो उसमें क्लिक करना है, सिम कार्ड कॉन्टैक्ट पर जाना है। सिम कार्ड कॉन्टैक्ट पर जाने के बाद सिम वन सिम टू सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करना है। नीचे में आप देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो इंपोर्ट पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों कोई भी एक नंबर को आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप इसको इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों उसके बाद इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम कार्ड पे स्पेस भी होना ज़रूरी है, तब दोस्तों आपके जो सिम कॉन्टैक्ट है वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया था तो आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप जो है सिम कार्ड कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।